आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। आज भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू HAL गए थे और उनकी इस विजिट के दौरान कुछ फोटोग्राफ्स निकल कर आई हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे वेंकैया नायडू साहब मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स निकल कर आती हैं। आपको याद होगा इससे पहले वो रुद्रम की फोटोग्राफ्स हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आज ही उनके विजिट की फोटोग्राफ्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस LCA तेजस यूनिट में वो बैठ रहे हैं वो SP-26 है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस फोटोग्राफ का क्लोजअप देख सकते हैं और तेजस के लोगो के नीचे आप देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का नंबर SP-26 है। LCA तेजस FOC स्टैंडर्ड की जो नोमेनक्लेचर है, यानी कि एयरक्राफ्ट की नंबरिंग मैकेनिज्म है, उसको चेंज किया गया है। हम सभी जानते हैं LCA तेजस मार्क 1 IOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा चुके हैं और इन एयरक्राफ्ट का नंबर SP-1 से लेकर SP-16 तक है। इनिशियली प्लान किया गया था कि IOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू की जाएगी और IOC स्टैंडर्ड के 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। इन एयरक्राफ्ट का नंबर होना था SP-17 से लेकर SP-20 तक। प्लान के हिसाब से FOC स्टैंडर्ड के तेजस SP-21 से लेकर SP-36 तक जाने थे और SP-36 से लेकर SP-40 तक FOC स्टैंडर्ड के 4 तेजस, जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते, वो भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाते। लेकिन बाद में डिसीजन लिया गया था कि भारतीय वायुसेना के ट्रेनर एयरक्राफ्ट FOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद में बनाए जाएंगे और इसी वजह से ये जो नेमिंग कन्वेंशन था ये चेंज हो गया था। अब FOC स्टैंडर्ड का जो पहला एयरक्राफ्ट था वो SP-17 कहलाता है। और इस चीज को देखते हुए अगर आप वेंकैया नायडू जी की फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जिस एयरक्राफ्ट के अंदर वो जा रहे हैं वो SP-26 है, यानी कि ये IOC स्टैंडर्ड का 10वां तेजस एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा बैकग्राउंड में आप 2 एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है। वहीं जिस तेजस यूनिट के अंदर वेंकैया नायडू जी जा रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में आप एक और एयरक्राफ्ट देख सकते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। इन एयरक्राफ्ट के नंबर में जो वर्ड SP है, इसका मतलब है सीरियल प्रोडक्शन, और क्योंकि ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन नहीं किया गया है, इस वजह से IOC स्टैंडर्ड के तेजस की डिलीवरी के बाद में जो सीरियल प्रोडक्शन कंटिन्यू रहा है वहां से FOC स्टैंडर्ड के तेजस निकलना शुरू हुए थे। ये SP-26 एयरक्राफ्ट FOC स्टैंडर्ड का 10वां तेजस एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना की तरफ से 16 FOC स्टैंडर्ड का ऑर्डर ऑलरेडी HAL को दिया गया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके बाद में 6 और तेजस HAL को डिलीवर करने हैं और इन 6 में से 3 तेजस को हम लोग इस वीडियो के बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा एडवांस तेजस में हैं और 1 एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे जिस तरीके की रेपुटेशन HAL की रही है उस हिसाब से इस चीज को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन फोटोग्राफ से जो इन्फ्रेंसेस निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर डिलीवरी चालू रहती है तो साल 2022 मार्च तक भारतीय वायुसेना को अपने सारे के सारे FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।